Hello everyone, welcome on Biology Bliss. And guys, today we are going to discuss 10, matlab 10 important question of gymnosperms. Gymnosperm ke 10 very important question jo examination mein aksar puche jaate hain, unke bare mein aaj hum baat karenge. To pehla question hai aur bahut hi statement wise question hai ye, the mode of pollination in gymnospermic plants like macrozemia and encephalotos is. देखिए पहले यहाँ पे पॉइंट समझिए, मोड ऑफ पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म गाइस जो होती है मेनली हवा के द्वारा, विंड के द्वारा होता है, जिसे हम बोलते हैं एनेमोफिलस. बट जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोड ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट लाइक, इन प्लांट का स्पेशली एग्जांपल दिया है माइक्रोजेमिया और इंसेफेलोटॉस में ये पूछा है. इसने जिम्नोस्पर्म की बात तो करी है बट बाद में कहा इन प्लांट में आप बताइए कि पॉलिनेशन की मोड मतलब कैसे करके होता है. तो इन प्लांट में पार्टिकुलरली जो होता है वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है गाइस, माइक्रोजेमिया एंड इंसेफेलोटॉस. जनरल में अगर हम बात करें तो हवा के द्वारा विंड पॉलिनेशन होता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए था. बट इन दो पार्टिकुलर प्लांट माइक्रोजेमिया एंड इंसेफेलोटॉस में आपका इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है गाइस, सो करेक्ट आंसर आपका बी होता है. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी मोनोजाइलिक बोर्ड. देखिए गाइस कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो, इसमें बहुत क्वेश्चन क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है. देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एम ए एन ओ, ठीक है गाइस, और एक होता है पिकनो. आप इसे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाला आपका पाइनस में पाया जाता है और ये वाली बोर्ड साइकस में पाई जाती है. बट क्वेश्चन में देखें गाइस यहाँ पे एम ए एन ओ नहीं, यहाँ पे मोनो है. मोनो मतलब होता है गाइस एक से. कह रहा है मोनोजाइलिक बोर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो पहला पॉइंट इसमें देखें, वुड विद सिंगल परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग, रिंग मतलब एक, एंड बंडल्स. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मोनो का मतलब एक से होता है. मोनोजाइलिक वुड की क्वालिटी है कि इसमें जो वुड होती है उसमें एक सिंगल परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग होती है, और वैस्कुलर बंडल तो बहुत सारे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब कैम्बियम रिंग जो होती है वो एक होती है, परसिस्टेंट होती है, ठीक है. दूसरा, इट इज़ फाउंड इन पाइनस, ठीक है गाइस. आपने देखा पाइनस में जो वुड होती है एक्चुअल वो पिकनोजाइलिक होती है. अब मोनोजाइलिक कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है तो आपको ध्यान रखना है गाइस, मैंने कोड बताया था आपको जो पढ़ाया था कि पी एम करके कोड बना लें, ठीक है, और इसका अपोजिट कर दें एम पी, इस तरीके से. जैसे पाइनस में आपकी जब पिकनोजाइलिक वुड होगी तो उसके साथ ये मोनोजाइलिक कंडीशन भी होगी, ठीक है. इसी तरीके से साइकस में मेनोजाइलिक होगी तो इसके साथ होगी पॉलीजाइलिक, बस इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. दूसरा पॉइंट क्या, इट इज़ फाउंड इन पाइनस गाइस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. और तीसरा स्टेटमेंट है कि वुड विद मैनी परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग्स एंड बंडल गाइस, ये हो ही नहीं सकता गाइस क्योंकि टर्म क्या है मोनो, तो ये साइकस वाली कंडीशन है. दूसरा पॉइंट है इट इज़ फाउंड इन साइकस, ये भी नहीं हो सकता गाइस. तो करेक्ट आंसर आपका होता है ई, जिसमें बात करेगी बोथ ए एंड बी. तो इसका ए और बी का मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है और ये वाला ठीक है. ये बुड किस में होती है, पाइनस में होती है, मोनोजाइलिक. पिकनोजाइलिक तो होती है, साथ मोनोजाइलिक होती है. मैनोजाइलिक दूसरा टर्म है. देखो अब हम दूसरी बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, अब आपका क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द पिकनोजाइलिक बुड. आपको पता है पिकनोजाइलिक कहाँ पर होती है, पाइनस में होती है, ये ध्यान रखना है पाइनस में होती है, ठीक है. अब इनने बोला क्या गाइस यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करें गाइस, वरना क्वेश्चन के ऑप्शन जो गलत हो जाएंगे. जो जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन बनाया था कि मोनोजाइलिक, इसी तरीके से ये टर्म जो है गाइस ये है आपका पॉलीजाइलिक. थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक करें, पॉलीजाइलिक, ये पिकनोजाइलिक नहीं है बल्कि ये पॉलीजाइलिक है. इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें पॉलीजाइलिक के अकॉर्डिंग कि पॉलीजाइलिक वुड कहाँ होती है. तो अभी हमने आपको बताया पिकनोजाइलिक वुड आपकी पाइनस में होती है, इसके अपोजिट यहाँ पे मोनोजाइलिक कंडीशन होती है, तो ये तो नहीं हो सकता. तो ये है कि वुड विद मैनी परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग्स एंड बंडल, इसका मतलब हुआ पॉलीजाइलिक का मतलब, पॉली का मतलब क्या हुआ है मैनी, ठीक है, कैम्बियम रिंग्स और बंडल, ये बिल्कुल सही है, ये डिफाइन सही कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है. अब दूसरे में है एग्जाम्पल, इट इज़ फाउंड इन साइकस गाइस, ये साइकस में पाई जाती है, ठीक है. साइकस में सिंपल वुड मैनोजाइलिक और उसके साथ पॉलीजाइलिक होती है. अच्छा, इट इज़ अब्सेंट इन पाइनस, बिल्कुल सही बात है गाइस. ऊपर हमने क्या देखा था, मोनोजाइलिक जो थी वो पाइनस में थी, तो पॉलीजाइलिक पाइनस में कैसी होगी गाइस, अब्सेंट होगी, बिल्कुल सही है. तो करेक्ट आंसर क्या होता है डी, ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गाइस. देखिए पाइनस में अब्सेंट है तो साइकस में प्रेजेंट होगी, और जो इसका मीनिंग है पॉलीजाइलिक का मतलब मैनी परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग, तो ये आप सब तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है. जो लिखा है वो बिल्कुल सही है कि पाइनस में अब्सेंट, साइकस में प्रेजेंट, और जो मीनिंग है कि मैनी परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग्स एंड बंडल्स, दैट मीन्स पॉलीजाइलिक, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग कार्ड एज सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट.
देखिए, स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या होता है गाइस, जहाँ पे सीड बनते हैं, और सीड बनते हैं केवल दो प्लांट में, जिम्नो में और एनजियो में। अब दूसरा पॉइंट देखिए, साफ्ट साफ्ट वुड का मतलब होता है कि जो बेसल्स होती हैं वो रियल में हैवी होती है, और बेसल्स होती नॉर्मली एबसेंट किस में, जिम्नोस्पर्म में। तो वुड कैसी हो गई साफ्ट, इसी के अपोजिट एंजियोस्पर्म में वुड में बेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसका मतलब क्या होता है, उनके अंदर जो है वाटर कलेक्ट हो जाता है, इसलिए वुड कैसी हो जाती है, हार्ड वुड कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई कि जो कॉमन नेम है किस ग्रुप का है, ये जिम्नोस्पर्म को हम कॉमनली बोलते हैं एनाटॉमिकली साफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन ऑन बिहाफ ऑफ मेसोफिल कॉम्पोजिशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गाइस, देखिए हम आपको समझाते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, ऑड का मतलब इन चार में से एक डिफरेंट है और तीन एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। क्या पैटर्न है, ऑन बिहाफ ऑफ मेसोफिल कॉम्पोजिशन। मेसोफिल गाइस जो होता है, एक सिंपल सा लीफ जो हमारी होती है उसका एक टिशू होता है मेसोफिल। मेसोफिल जब टिशू है तो इसमें जो सेल्स होंगी वो दो टाइप की होंगी, मतलब सेल का जो अपना एक स्ट्रक्चर बनेगा वो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक को हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक को बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है कि मेसोफिल टिशू का दो टाइप की सेल में डिवाइड होना या दो टाइप का सेल पैटर्न का बनाना, इट इज़ ए काइंड ऑफ जीरोफिटिक एडाप्टेशन। और यू नो बेटर दैट कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो जीरोफिटिक एडाप्टेशन शो करते हैं, सिंपल। अब ये जितने भी प्लांट हैं ये सब आपके कैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं, मतलब कोनीफर्स हैं मोस्टली इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखते हैं, इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि जो पाइनस होता है गाइस उसमें इस तरीके का जीरोफिटिक एडाप्टेशन नहीं पाया जाता है, कि उसका मेसोफिल टिश्यू जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। बाकी आपका टैक्सस, नीटम और साइकस, ये तीनों जिम्नोस्पर्म है, इसमें जीरोफिटिक एडाप्टेशन होता है। तो कहने का मतलब है टैक्सस, नीटम और साइकस में जो मेसोफिल टिश्यू होगा लीफ के अंदर वो स्पंजी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं मतलब होता है, जबकि पाइनस में इस तरीके का कोई भी अडाप्टेशन नहीं होता है, ये वाला अडाप्ट। बाकी अडाप्टेशन होते हैं, जैसे वो उसमें निडल जो होती हैं, लीफ जो होती है निडल से होती हैं, मतलब बाकी जीरोफिटिक अडाप्टेशन होते हैं, बट एनाटॉमिकल ये अडाप्टेशन जो होता है कि मेसोफिल टिश्यू का दो डिफरेंट टाइप के पैटर्न में डिवाइड होना, स्पंजी और पैलिसेड में, ये आपका पाइनस में प्रेजेंट नहीं होता गाइस। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस फीचर टैक्सस, नीटम और साइकस एक ही पैटर्न शो करते हैं, दैट मीन्स कि जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो आपका स्पंजी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिवाइडेड होता है, जबकि पाइनस में मेसोफिल टिश्यू इस तरीके का डिवाइडेशन शो नहीं करता है गाइस। तो ऑड वन कौन सा हुआ आपका, डी मतलब पाइनस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं, थोड़ा सा एनाटॉमिकल पॉइंट है, स्पायरल थिंकिंग एंड स्केलेट फॉर्म पैटर्न इज फीचर्ड बाई। देखो ये क्या आएगा, एक स्पेशल टाइप का जो आपका प्रोटोजाइलम होता है, जिसका आंसर प्रोटोजाइलम है। कैसे करके, जब प्रोटोजाइलम किसी सीडलिंग्स में डेवलप होता है, एक न्यूली डेवलप प्लांट जिसे हम सीडलिंग बोलते हैं, तो वो स्पायरल थिकनिंग शो करता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम जो होता है बाद में, थिकनिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है, जो इनके फाइबर्स और इनके जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो डिपोजिशंस होता है, ठीक है, लिग्निन का और सोवेरिन का, आपने पता है दो केमिकल होते हैं, एक डेड वाली सेल में एक लिविंग वाली सेल में, और जो आपका जाइलम होता है उसके जो होते हैं चार पार्ट होते हैं, चार में से तीन जो होते हैं वो डेड होते हैं, एक ही पार्ट इसका लिविंग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो थिकनिंग होगी वो किसकी होगी, लिग्निन की होगी, क्योंकि मोस्ट पार्ट जो है वो कैसे कहें डेड है। तो कहने का मतलब जो लिग्निन होता है, जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका जो डिपोजिशन होता है, जो कलेक्शंस होता है, वो इस तरीके की थिकनिंग बनाता है, स्पायरली मतलब थिक मतलब जम डिपॉजिट हो जाता है। और जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो जाता है तो वही थिकनिंग जो होती है आपकी स्केलेटरी फार्म पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों जो टाइप हैं, सिलिफॉर्म थिकनिंग इन द सीडलिंग स्टेज एंड स्केलेटरी फार्म पैटर्न इन द मैच्योर स्टेज, और ये क्वालिटी किसकी गई, प्रोटोजाइलम की है। प्रोटोजाइलम पे जो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होता है उसका जो शेप है वो चेंज होता है एज दे ग्रो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका प्रोटोजाइलम। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन का, ये क्वेश्चन जो है जिम्नोस्पर्म्स के पार्ट नहीं है, बट ये वेरी फेमस क्वेश्चन था तो मैंने रख दिया, आजकल ट्रेंड में है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है पोंगोमिया पिनेटा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। पहला तो ये लेग्यूमिनेसी का प्लांट है, मतलब पैपिलियोनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। दूसरा पॉइंट है कि ये वेस्टर्न घाट का नेटिव है, वेस्टर्न घाट जैसे हम इंडिया का नक्शा इस तरीके बनाते हैं, तो ये वाला जो पोर्टन होता है हमारा, ठीक है, ये घाट इस तरीके से होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये वेस्टर्न होता है और ये वाला घाट ईस्टर्न घाट होता है। तो ये वेस्टर्न घाट का नेटिव है, और ये मोस्टली कहाँ पे, जो बैंक या जो हमारे झरने होते हैं इनके किनारों पे ग्रो करता है, सी कोस्ट पे ग्रो करता है और टाइडल फॉरेस्ट में ग्रो करता है। इसके अलावा इट इज़ सेट बीरिंग, सेट बीरिंग का मतलब होता है कि दो तरीके के प्लांट होते हैं, हीलियोफाइट और सोशियोफाइट, हमने आपका वीडियो बनाया। तो ये सोशियोफाइट टाइप का प्लांट है, मतलब ये
शेड मतलब छाया वाली जगहों को पसंद करता है एंड गुड फॉर प्लांटिंग इन पास्ट, जो घास के मैदान हम डेवलप करते हैं छोटे छोटे जो प्लांट लगाते हैं उनके लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल प्लांट है, जिसे हम कहते हैं पास्टरेशन का क्रिएट करना एक टाइप की एग्रोफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस होती है, तो इट इज़ गुड फॉर द एग्रोफॉरेस्टेशन, या एग्रोफॉरेस्टेशन में इस प्लांट को यूज़ किया जाता है स्पेशली इन वाटर से जिन एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम ऑफ द ईयर पानी भरा रहता है या मार्सी लैंड होते हैं उनमें ये प्लांट लगाया जाता है एंड ड्रायर पार्ट ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग। दूसरा कंडीशन है कि जो प्लांट पार्ट में ड्राई रहते हैं मतलब सूखा पड़ रहता है डेजर्ट होते हैं उनमें भी ये प्लांट लगा के वहाँ पे हरियाली बनाई जा सकती है गाइस, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। नाउ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन रोड साइड, इसी ग्रुप के जो रोड साइड हाईवे के चारों तरफ जो प्लांट लगाए जाते हैं उसमें भी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मेंबर है। जो अर्बन एरियाज में और हाईवे के दोनों साइड में जो प्लांट लगाते हैं उसमें भी पोगेमिया पिनेटा होता है गाइस, आपने देखा होगा बहुत कॉमन सा प्लांट है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा। सो गाइस करेक्ट आंसर जो है वो ई मतलब लास्ट ऑप्शन, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एग्जाम में बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन, नेक कैनाल सेल्स आर अब्सेंट। क्वेश्चन को समझिए, अब्सेंट कहाँ पर होती है, देखिए प्रेजेंट लोअर, लोअर कौन से गाइस में, देखिए ट्रेडोफाइट ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म तीन ऑप्शन आपके पास है, ये कह रहा है अब्सेंट कहाँ पे है। देखो ट्रेडोफाइट में ब्रायोफाइट वाली क्वालिटी होती है पानी वाली, ठीक है, और नेक कैनाल सेल्स इसलिए इनमें भी प्रेजेंट होती हैं इसमें भी प्रेजेंट होती हैं, और कह रहा है क्वेश्चन में अब्सेंट कहाँ पे होती है, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें जो होता है पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है, और ये जो है जीरोफिटिक अडाप्टेशन शो करते हैं बिल्कुल कम हो जाए, ये मीजोफाइट भी बल्कि जीरोफिटिक हो जाते हैं, तो ये वाली जो कंडीशन होती है नेक कैनाल से एक टाइप का वाटर अडाप्टेशन होता है जो आर्चिगोनिया बनती है ना इस तरीके से, इसे बोलते हैं नेक कैनाल से, इस तरीके से नेक से लोग उसके मुंह पे जो रखी होती है नेक कैनाल से बोलते हैं। दिस इज जिम्नोस्पर्म में कंप्लीटली एब्सेंट होती है, एंजियोस्पर्म में भी एब्सेंट होती है, मगर पाई कहाँ जाती है ट्रेडोफाइट और ब्रायोफाइट में पाई जाती है, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो ए है कि जो एब्सेंट कहाँ होती है ट्रेडोफाइट जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट में, ये जिम्नोस्पर्म में कंप्लीटली एब्सेंट। ना क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे एक ऐसा करेक्टर हम बताएंगे, दो करेक्टर वाले तो क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं गाइस कि आपका कॉमन फीचर अमंग दी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म एंड ट्रेडोफाइट, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसमें कि कॉमन फीचर कौन सा है ट्रेडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कहने का मतलब है ट्रेडोफाइट में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है, मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो इनके लिए कॉमन फीचर ये गाइस जो मेन प्लांट बॉडी होती है दो लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं हर एक प्लांट के, एक गैमेटोफाइट अवस्था होती है और एक स्पोरोफाइट अवस्था होती है, तो जो ट्रेडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें सब में जो मेन प्लांट बॉडी होती है जो प्लांट हम देखते हैं अपनी आँखों से उसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, और वो क्लियर कट आपका डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस मतलब डिवाइड होता है रूट शूट और लीफ में, ये बात तीनों के लिए बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट है एक स्ट्रक्चर बनती है जिससे हम बोलते हैं सस्पेंशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वो आपके एंजियोस्पर्म में बनती है और जिम्नोस्पर्म में भी बनती है, बट ट्रेडोफाइट में बनती है, बट वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वहाँ के लिए, बट सम ऑफ द ट्रेडोफाइट में वो स्ट्रक्चर बनती है, कहने का मतलब जिस तरीके से ऑप्शन लिखा गया है उस तरीके से ऑप्शन ठीक है, ठीक है कि सस्पेंशन इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंड सम ट्रेडोफाइट, ठीक है गाइस ये बिल्कुल सही है, जनरलाइजेशन तो नहीं है ट्रेडोफाइट के, बट सम ट्रेडोफाइट आल्सो शोज द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है सी, जबकि ये पॉइंट बोला कि डिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज, तो डिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज जो होती है गाइस आपकी आपकी जिम्नो में देखने को मिलती है एनजीओ में देखती है, बट ट्रेडो में ये फेज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब अपने आप में कैपेबल होती है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है आज के, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ इस सेक्शन में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मतलब वीडियो है, इसमें देखेगा इस कह रहा है इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हम आपको कई बार बता चुके हैं और कई बार हमने इस क्लासिफिकेशन को भी शुरू के लेक्चर में बताया था। देखिए इसमें ग्रुप और उनके कॉमन नेम की बात करेगी, जैसे हमने कल आपको जो लेक्चर बताया था कि जो सीड फर्न होती हैं उनका जो नाम है जो चैम्बर लेने दिया था साइडो फिलिकल्स, या हम इन्हें सीडो स्पर्मिल्स बोलते हैं, तो जो मैच है साइडो फिलिकल्स नोन है सीड फर्न बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है वेनिटेल्स जिन्हें हम सो कॉल्ड साइकेड डियो डेल्स भी बोलते हैं, और ये जो होते हैं फॉसिल साइकेट्स होते हैं मतलब पूरी तरीके से जो लिविंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो ऑर्डर है गाइस ये होता है साइकेडेल्स, इसमें जो जो मेंबर आते हैं वो लिविंग साइकेट्स हैं, ठीक है ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपने देखा होगा गाइस ये सही है, और इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है कोनीफर के बारे में, उसमें आपने देखा होगा चार ऑर्डर्स हैं, ठीक उन ऑर्डर में सबसे लास्ट जो ऑर्डर है वो निटेल्स का ऑर्डर है, मेंबर जरूर कम है मगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर है, कहने का मतलब एडवांस ऑर्डर है, जबकि कोनीफर्स भी होता है मगर कोनीफर्स में नंबर ज़्यादा होता है मगर वो एडवांस नहीं होते गाइस। एडवांस कौन है नेटेल्स, एडवांसमेंट का यहाँ मतलब किससे गाइस, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं बेस सेल्स, वो आपके नेटेल्स के जो मेंबर्स होते हैं जैसे इसमें नीटम आता है फेड्रा आता है बेलबिल्ची आती है, इनके जाइलम में ये बेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इट इज़ सिमिलर टू द एंजियोस्पर्मिक फीचर, ये एंजियोस्पर्म का फीचर है, जबकि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जाइलम में बेस सेल्स एब्सेंट होती हैं, बट नेटेल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें बेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कहलाता है आपका नेटेल, तो ये वाला भी मैच ठीक है। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है ए लास्ट ऑप्शन।
And finally, I request to all, please subscribe, like and share my YouTube channel, Biology Bliss. Thank you very much, guys.